पद्म विभूषण फिल्म एक्टर दिलीप कुमार की पत्नी सारा बानो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि एक बिल्डर की नजर पाली हिल वाली उनकी प्रॉपर्टी पर टिकी है और वो उसे हड़पना चाहता है और इसलिए बार बार वो दिलीप साहब को धमकी भी दे रहा है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार 96 साल की उम्र में अपने सपनों के आशियाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिलीप कुमार की तबीयत नासाज रहती है। उनकी पत्नी सायरा बानो का यह आरोप है कि बिल्डर इसी का फायदा उठाकर उनके पाली हिल वाले बंगले को हड़प लेना चाहता है। सायरा बानो ने पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा है। बिल्कुल यही चाहती हूँ कि कुछ तवज्जो दें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अब ये जो बात है ये एक मुद्दत से चल रही है, ये जो बात है ये परेशानी सालों बीते जा रहे हैं और हम बेजार आ गए हैं। तो अब सीएम को भी रिफ़र किया था ये बात, फडणवीस साहब को, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब पीएम साहब को शामिल करेंगे तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए। दरअसल बांद्रा में पाली हिल इलाके में दिलीप कुमार का बंगला है। इसी बंगले से दिलीप कुमार की तमाम यादें जुड़ी हैं। अगर दिलीप कुमार साहब के स्टेचर का आदमी इस तरह सफ़र कर रहा है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट में भी नहीं है, पॉलिटिकली अगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई तवज्जो देके एक मिनट में ये ख़त्म करवा सकते हैं, क्योंकि जायज़ बात है, दिलीप साहब ने ये बंगला लिया है अपने बलबूते पे। सायरा बानो का आरोप है कि बिल्डर ने सरकारी कर्मचारियों की मदद से प्रॉपर्टी के नकली कागजात बनवा लिए थे। उन्होंने आरोपी बिल्डर के खिलाफ इसी साल जनवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका चीटिंग किया था, ये कंप्लेंट के ऊपर उग्र दाखिल हुआ था और उसमें कोर्ट से उनको एंटिसिपेटरी बेल मिला था। इसमें दोनों केस में इन्वेस्टिगेशन चालू है और आई एम श्योर कि पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिचुएशन असेस करेंगे और उसके हिसाब से वो आगे की कार्रवाई करेंगे। अपनी फिल्मों में सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले दिलीप कुमार असल जिंदगी में भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार को भरोसा है कि पीएम मोदी अपील पर जरूर गौर करेंगे जिससे दिलीप कुमार का आशियाना बच सके। टीम न्यूज़ नेशन।